हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे वे में चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और सरकारी जॉब के अपडेट के साथ, जो कि डायरेक्टली निकल के आ रही है DSSSB की तरफ से, MTS यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता होगा कि DSSSB में टोटल 13,000 के करीब सीट्स पर वैकेंसी आई है, जिसमें विभिन्न पदों के लिए आपके यहाँ पर रहने वाले जो 10th पास आउट है, इंटर पास कर रखा है, ग्रेजुएट है, सभी के लिए अपॉर्चुनिटी आई है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि 10th पास आउट कैंडिडेट्स के लिए है, ग्रुप बी की पोस्ट है। ऑल इंडिया के मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए इलिजिबल रहेंगे। तो चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से डिस्कशन को स्टार्ट कर लेते हैं। Like I told you earlier, DSSSB में MTS की नई भर्ती आई है। DSSSB होता क्या है? दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। इसके तहत आपको, जैसा पहले ही बताया, वेरियस पोस्ट की रिक्रूटमेंट है 12,785 सीट्स के लिए। तो आज की वीडियो में हम लोग MTS का देखने वाले हैं कि कितना सीट पर आया है। चलिए पहले देखते हैं व्हाट इज द कैटेगरी वाइज सीट डिस्ट्रीब्यूशन। जनरल कैंडिडेट्स के लिए 253 सीट्स है, ओबीसी के लिए 183, ईडब्ल्यूएस के लिए 60 है, एससी के लिए 31 एंड एसटी के लिए 40। टोटल आपका 567 सीट्स आपका MTS के लिए रहेगा। जी हाँ, तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो ये 13,000 सीट्स बताया वो किन पोस्ट के लिए, तो उसका सारा वीडियो आपको प्रॉपर अलग मिल जाएगा, जाके जरूर वॉच कर लेना। अब देख लेते हैं कि MTS की पोस्ट के लिए कब से कब तक अप्लाई होगा। फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो चुका है 8 फरवरी से। लास्ट जो आपका डेट रहेगा 8 मार्च रहेगा। तो 8 मार्च का इतना लंबा इंतजार मत करिएगा कि लास्ट डेट आएगा तब जाके फॉर्म अप्लाई करेंगे। नहीं, फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है, जाइए जितना जल्दी अप्लाई करिएगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि अप्लाई करेंगे तो फी क्या लगेगा। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से 100 रुपीज लिया जाएगा। वहीं पर एससी एसटी कैंडिडेट, फिजिकली हैंडीकैप पर्सन और ऑल कैटेगरी फीमेल से कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। अब देख लेते हैं कि व्हाट इज द एज लिमिट। सबसे पहले जानेंगे कि किस तिथि के अनुसार आपका एज यहां पर कैलकुलेट किया जाएगा। आपका जो एज का कैलकुलेशन होगा एज ऑन 8th ऑफ मार्च 2024, मतलब 8 मार्च 2024 के अनुसार 18 से 25 या 27 वर्ष, मतलब कि आपका 25 और 27 में आप सोच रहे होंगे कौन सा मान्य होगा। देखिए, डिपार्टमेंट वाइज ही आपका रहेगा। वैसे तो 18 से 27 वर्ष के सभी कैंडिडेट इलिजिबल रहेंगे, साथ ही साथ रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को 3 वर्ष का और एससी एसटी को 5 वर्ष का, ठीक है। क्वालिफिकेशन, जैसा कि आपको पहले ही बताया है कि 10th पास आउट कैंडिडेट्स इसके लिए इलिजिबल रहने वाले हैं। डजंट मैटर कि आपका 10th में क्या परसेंटेज है, इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर आपने 10th पास किया है तो आप इलिजिबल रहने वाले हो। आगे हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। आपका सिलेक्शन 3 स्टेज से गुजरने के बाद होता है। फर्स्ट स्टेज पे ऑनलाइन एग्जाम होता है, सेकेंड पे DV आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एंड थर्ड होता है आपका मेडिकल, देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। एज यू नो कि DSSSB के अंदर वैकेंसी है, तो दिल्ली में ही आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में जॉब करना होगा। और सेकेंड चीज, अभी हम लोग एग्जाम पैटर्न पे आ रहे हैं तो बता दूं कि एग्जाम का जो सेंटर होगा वो दिल्ली में ही होगा। ऑल इंडिया के सारे कैंडिडेट्स को दिल्ली में जाके एग्जाम देना होगा, ठीक है। चलिए देखें एग्जाम की क्या यहाँ पर प्रक्रिया रहेगी। 200 प्रश्न होंगे 200 नंबर के लिए, हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, समय मिलता है 2 घंटे का। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4, मतलब कि 0.25 का निगेटिव मार्किंग हो गया। अब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य ज्ञान से आपको 40 प्रश्न है, रीजनिंग से 40 प्रश्न है, मैथ से 40 प्रश्न, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही से 40-40, टोटल 200 प्रश्न 200 नंबर के लिए। अब सारा कुछ तो इसके बारे में जानकारी दे दिया है कि दिल्ली में जॉब होगा, वहीं पर आपका एग्जाम सेंटर होगा। अब जॉब हो जाएगी तो क्या सैलरी दिया जाएगा मैं आपको बता देती हूँ।
23,000 से लेके 30,000 तक शुरुआत की आपकी सैलरी है। जो डिपार्टमेंट वाइज है ना, वो डिपेंड करेगा किस डिपार्टमेंट में आपको क्या मिलेगा। तो ये स्टार्टिंग की सैलरी है, बाद में इसमें भी पर्क्स अलाउंसेस होते हैं तो सैलरी इंक्रीज हो जाती है। एंड आई होप कि इसके बारे में जो भी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड किया आप सारे कुछ अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं पर भी मन में कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अदरवाइज इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे जाके डाउनलोड करके थोरो आउट देख लीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए वहां पर फॉलो कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि सारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।